कहते हैं उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। ये बड़ी खबर, गुजरात की जीत पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी को बधाई, गुजरात की बंपर जीत पर। गुजरात में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 157 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। शिवसेना दो गुटों में है, एक गुट एकनाथ शिंदे के साथ और एक गुट उद्धव ठाकरे के साथ। एकनाथ शिंदे की सरकार, बीजेपी उसमें सहयोगी। बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी, लेकिन उन सब के बीच चूंकि पीएम मोदी की बड़ी जीत, और वैसे भी उद्धव ठाकरे और जितने उनके गुट के नेता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने से बचते रहे हैं इस पूरे क्लैश में भी, और अब उन्होंने जीत की बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात की प्रचंड जीत। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुजरात में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, और ऐसे में अब बधाइयों का सिलसिला तेज हो चला है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है, और फोन करके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत की बधाई दी, और जश्न का माहौल पूरे गुजरात में देखा जा रहा है। 157 सीटों पर बीजेपी आगे है, और ऐसे में जो एक ऐतिहासिक जीत है वो नजर आ रही है, और कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। पिछले बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है इस बार, और ऐसे में ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। और इससे पहले सबसे बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनावी इतिहास में अब तक इस सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था। 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने 149 सीटें जीती थी, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी 7वीं बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, और ऐसा करके उसने वाम दलों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 बार वाम दलों ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी बीजेपी ने तोड़ दिया। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और देखिए हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दीपक झा भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। बीजेपी दफ्तर गुजरात में जश्न का माहौल, और ये जश्न बनता है हिमांशु क्योंकि अपनी जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा है, कांग्रेस के जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा है, वाम दलों का जो पश्चिम बंगाल में जीत थी उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। 2024 के लिए सबसे बड़ा प्लॉट गुजरात में तैयार किया है। वजहें बहुत सारी हैं गुजरात बीजेपी के पास जश्न के लिए। शायद इतना जश्न इतनी ज्यादा वहां पर हो रहा है, और इतनी मुझे लगा आतिशबाजी गाना बजाना हो रहा है कि हिमांशु को शायद हमारी आवाज भी नहीं मिल पा रही है। और हिमांशु क्या आपको आवाज मिल पा रही है? दिखाएं तस्वीरें हिमांशु, वहां पर कैसे जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी ज्यादा शोर है यहां पर, इतना ज्यादा शोर है यहां पर, इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से उल्लास है लोगों के अंदर, और जोश है कि यहां पर आवाज जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन देखिए सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है जश्न का माहौल चल रहा है, और हम आगे जाके जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अल्पेश ठाकुर जो है जो कि गांधीनगर दक्षिण से जीत कर यहाँ पर आए हैं, वो मीडिया से हाजिर हो रहे हैं, और तमाम ये लोग जो है यहाँ पर उनसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। यहाँ मीडिया कर रही है वो भी उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, अल्पेश ठाकुर जो है गांधीनगर दक्षिण की जो विधानसभा रही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, और उसके बाद देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गांधीनगर के जो कार्यकर्ता है, अल्पेश जी देखिए ये नरेंद्र भाई की जीत है, जिस तरह से विकास की राजनीति की जीत है, राष्ट्रवाद की सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं, क्योंकि गांधीनगर के पास में ही यहाँ पर जो है उनकी विधानसभा रही है, और अल्पेश ठाकुर अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर गांधीनगर के कमला मुख्यालय में आए, और यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने जो यहाँ पर सीआर पाटिल से उनसे बात की। क्या कहना चाहेंगी, अल्पेश ठाकुर भी आए, उन्होंने धन्यवाद दिया, वो भी जीत गए, इतनी बड़ी जीत पर क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या है? गुलाब मुरासरा।
निश्चित तौर पर। और हिमांशु, ये जो जश्न की तस्वीरें हैं श्वेता, आप देखिए, जश्न इसलिए भी क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी जीत, जश्न इसलिए भी क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब 2002 के चुनाव में 127 सीटें आई थी और उससे भी 30 ज्यादा सीटें तब आई हैं जब भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए भी ये जीत का जश्न मनता है। और आपको याद होगा दूसरे चरण के चुनाव से पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रोड शो किए, रैलियां की, सबसे बड़ा रोड शो उन्होंने किया, 50 किलोमीटर का करीब करीब रोड शो किया, इतना लंबा रोड शो नहीं हुआ था। तो उन सब चीजों का असर इन नतीजों में दिख रहा है।